नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूं नरेला के 80 फुट रोड पर और गड्डी बाज गैंग राजधानी दिल्ली में सक्रिय है। बिहार से आ रही एक महिला के साथ जहांगीरपुरी स्टैंड से उसको बैठाया जाता है कार के अंदर और उस महिला के साथ गहनों की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। जी हां, गड्डी बाज गैंग जो है वो राजधानी दिल्ली में सक्रिय है और जो महिला है वो आप देख सकते हैं बैठी है। लेकिन महिला को होश तब आता है जब महिला जहांगीरपुरी के बजाय नरेला इलाके में दाखिल हो जाती है। उसके बाद महिला को पता चलता है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया है और उसकी ज्वेलरी जो है वो तमाम लूट ली गई है, जिसको लेकर अब जो परिवार है वो यहाँ पर पहुँचा है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को भी शिकायत की जा रही है। लेडीज हैं जो अभी रो रही हैं, ये जहांगीरपुरी नई दिल्ली से आके जहांगीरपुरी उतरी मेट्रो से और बस की इंतजार कर रही थी। तब तक बस स्टैंड पे एक आदमी आता है, बोलता है कि आपको कहाँ जाना, नरेला जाना है। दीदी गाड़ी में बैठ जाओ, मेरी गाड़ी है, मैं आपको नरेला छोड़ दूंगा। इनने बैठ गई, इनके साथ एक छोटा मासूम बच्चा भी है। ये कान और गले में पहनी हुई थी, रास्ते में आया तो एक लिफाफा दिया, लिफाफे के अंदर पता कागज था क्या था, बोली कि आप इसमें अपना गहने रख दो। इनने गहना रख दिया, रखने के बाद इनको रास्ते में उतारा, बोला कि लिफाफे ये घर पे चेक करना, रास्ते में चेक मत करना, इसमें पैसे भी हैं। ये उतरने के बाद इनको उतार दिया और वो आदमी के साथ चला गया। तब ये बैठ के वहाँ पे देख रही हैं तो लिफाफे के अंदर सिर्फ कागज कागज पड़ा हुआ है और गहना लेकर रफू चक्कर हो गया, भग गया वो गाड़ी से उतार कर। दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर अब कई पहलुओं में उलझी है, क्योंकि ये जो इलाका है ये नरेला का है लेकिन जहाँ पर लूट हुई है वह जहांगीरपुरी इलाका है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस किस एंगल से मामले की जांच करेगी, एक जांच का विषय। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।